प्रिंसिपल बत्रा प्रिंसिपल बत्रा प्रिंसिपल बत्रा। अरे मुर्दाबाद जरा जोर से बोलो, ये क्या मरी हुई आवाज निकाल रहे हो? सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? बोलो प्रिंसिपल बत्रा प्रिंसिपल बत्रा प्रिंसिपल बत्रा। मैनेजमेंट की धांधली मैनेजमेंट की धांधली। मेरी गाड़ी कम से कम मेरी गरीबी का नहीं तो मेरी गाड़ी के बुढ़ापे का तो ख्याल करो। मैनेजमेंट की धांधली क्या चल रहा है सब? इंसाफ की जंग। अरे किसके दिन भरे हैं जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा? मेरे साथ नाइंसाफी करे ऐसा तराजू बना नहीं अब तक। मैं तो बेचारी इस अबला रीना के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। तीन बार फेल होकर मिनिस्टर की तरह एक ही क्लास में चिटकी रहेगी तो दूसरे स्टूडेंट्स क्या अंडमान निकोबार पढ़ने के लिए जाएंगे? जब कोई स्टूडेंट लगातार तीन बार एग्जाम में फेल होता है तो आप कॉलेज से निकाल देते हैं है? लेकिन आप प्रोफेसर जो एक क्लास में 10 साल पढ़ाते हैं तब हम कुछ नहीं कहते। इससे बहस में तो राम जेठमलानी भी नहीं जीत सकता। चलो हटो यहाँ से, बंद पड़ो। अरे अरे प्रोफेसर के धक्का मारता है। अरे तुम लोगों को धक्का नहीं मारूंगा ना तो मुझे गाड़ी को धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। अरे सर अगर मैं आपकी गाड़ी के नीचे कुचल जाती तो? अरे तुम जैसे आवारा लीडर को तो कुचल ही देना चाहिए। अरे आपकी दादागिरी हम जैसे शरीफों पे ही चल सकती है, कॉलेज के गुंडों पर नहीं। आज मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर मेरे आसपास नहीं फटेगी। वो आ रही है। चल लिख लिख लिख। हाँ अबे ये क्या है? हाँ? तेरा हैंडराइटिंग तो डॉक्टर से भी खराब है। हाँ? इसे तो कोई कंपाउंडर भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या हो रहा है? Can I help you? No thanks. अरे लिखने दे यार, पूजा की राइटिंग पूजा की तरह खूबसूरत है। Ooh, thank you. क्या लिखना है? Love letter? अरे नहीं बाबा नहीं बाबा, ये wanted का अनाउंसमेंट लिखना है। Wanted? Wanted कौन है यहाँ पर? देखा, इसलिए मैंने ना कहा था। Right. बकबक ज्यादा करती है, काम कम करती है। बक, अच्छा ठीक है ठीक है, नाराज क्यों होते हो? क्या लिखना है? Wanted, dead or alive. Okay. Reward rupees 1 lakh. कॉलेज के ट्रस्टी को चंबल का डाकू बना डाला, किसने की ये हिमाकत? सर ये तो पूजा की हैंडराइटिंग लगती है। पूजा? कहाँ है पूजा? हटो, क्या हुआ सर? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। जिनकी बदौलत तुम इस कॉलेज की छत के नीचे खड़ी हो उन्हीं को वांटेड कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो ये राइटिंग किसकी है? वो विजय ने लिखवाया था मुझे। ए लड़की, हाँ वो कल अगर कहूँ कि कॉलेज के छत से कूद जा तो तू कूद जाएगी? व्हाट नॉनसेंस सर। अरे वेरी बैड सर, वेरी बैड। क्या सर? इस लड़की की शरारतों से तो नेशनल पार्क के बंदर भी शर्मा जाएंगे। सर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे कॉलेज को चिड़ियाघर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, चिड़ियाघर का चौकीदार मुझे नहीं बनना है। पूजा कल तुम्हारे डैडी को कॉलेज में ले आना। डैडी, प्रोफेसर के सामने तुम्हें मेरी डैडी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं दूंगी खींच के, चल। देखो देखो बेबी, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम्हारे डैडी को इस बात का जरा भी पता चल गया कि मैं तुम्हारा बाप बना था तो वो मेरा क्या हाल करेंगे? वो जो भी करेंगे पता चलने की बात करेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ए? अब चले। ठीक है चलो बेटी, देखते हैं। Excuse me, sir. Yes. Sir, ये मेरी डैडी हैं। शांति प्रसाद, कहिए कैसे याद किया आपने? मैंने आपको इसलिए याद किया कि आपकी बेटी पूजा आप कॉलेज में बहुत शरारतें करने लगी है। पूजा, पूजा ये क्या सच है? I'm sorry, daddy. दरअसल अब इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। पूजा, पूजा ये हम क्या सुन रहे हैं? पूजा, क्या हम आपको कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ाई की जगह शरारतें करें? डैडी वो शराब पूजा, शराब पूजा, शराब। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कितने रंगीन सपने देखे थे, वो सारे सपने तुमने एक ही झटके में ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए। काश काश ये सब देखने से पहले तुम्हारा बाप अंधा हो जाता, खंडाला के किसी घाटी से गिरकर मर जाता। हे भगवान, इसके बाप को इस दुनिया से उठा ले। रिलैक्स रिलैक्स, शांति रखिए आप। शांति? अरे अरे जिसकी ऐसी नालायक औलाद हो वो कैसे शांति रखे और कहां शांति रखे? अब तो बस
नाम ही शांति प्रसाद रह गया है। ओ, मेरा तो खून खोल रहा है इसकी हरकतें सुन सुनकर। देखिए इस तरह से जवान बेटी को मारना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं मारूं साहब, क्यों नहीं मारूं, क्यों नहीं मारूं? और आप हम दोनों के बीच बोलने वाले होते कौन है? हैं? अगर लड़की बिगड़ गई तो क्या आप उसे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे? वाह साहब वाह, क्या बात, क्या बात, क्या जमाना आ गया, एकदम बदल गया। पहले तो खुद बुलाते हैं लड़की की शिकायत करने के लिए और आप डांटो तो आप बुरा मान जाते हैं। पूजा प्लीज इनको यहाँ से ले जाओ और आइंदा कभी इधर मत लाओ। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और आपने उनको बुलाया क्यों? बोलिए बुलाया क्यों उनको, क्यों बुलाया? पागल कहीं का लगता है, पूरा खानदान पागल है। उल्लू की दुम। नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? प्रोफेसर के सामने ऐसे मार रहा था जैसे बाप का माल है। बेबी तुमने तो कहा था। देखती हूँ तुझको। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब मुझे जलाने के लिए किया है। पारो का प्यार तो तुम्हें मिल ही गया, अब पूजा से घायल होते जाओ। किसने मारा? पूजा ने सर। पता नहीं ये लड़की हर वक्त मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है। I'm sorry, sir. मेरे भी समझ में नहीं आता कि बार बार घायल होने के लिए आप मेरे सामने क्यों आते हैं। सर, इत्तफाक नहीं, आपके खिलाफ जानबूझकर की गई साजिश है। ठीक है तो इस साजिश का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पूजा, कल तुम्हारे डैडी को डैडी नहीं तो फाइन सर। हाँ यस, इस गलती के लिए तुम्हें 2000 रुपए फाइन। व्हाट? लेकिन पूजा, तू फाइन के पैसे लाएगी कहाँ से? वही तो मैं सोच रही हूँ। डैडी के इस महीने के मनी ऑर्डर के पैसे भी खत्म हो गए, और अगर पैसे मंगवाने हैं तो कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। पूजा का टेलीग्राम। हॉस्टल की फीस बढ़ गई है, मेस की फीस बढ़ गई है, एग्जामिनेशन की फीस बढ़ गई है। समझ में नहीं आता एक ऐसा कॉलेज है। एक तो साला इस कसीनो ने नाक में दम कर दिया है, ऊपर से इन कॉलेज वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझको बॉम्बे खुद जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या बात है झांसी की रानी, इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रही हो तुम? मैं मनी ऑर्डर के लिए पोस्टमैन के बारे में सोच रही थी। पता नहीं एक हफ्ता हो गया, डैडी ने पैसे क्यों नहीं भेजे? पता चल गया होगा उन्हें तुम्हारी करतूतों के बारे में। अब तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध ही लो और झुमरी तलैया जाने की तैयारी करो, क्योंकि कॉलेज से तुम्हारा पत्ता कटाई समझो। जी नहीं विजय, कॉलेज से पत्ता तो क्या, अगर कोई मेरा गला भी काट दे तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और रही बात उस फाइन की, तो देखना कल सुबह मैं उस प्रोफेसर को क्या पट्टी पढ़ाती हूँ। कहाँ है वो प्रोफेसर? ये पागल फिर आ गया। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मुझे लगता है आज पागल बहुत गुस्से में है। उस दिन गुस्से में इसने अपनी बेटी को चांटा मार दिया था, आज कहीं ये मेरे को चाकू न मार दे। जवाब क्यों नहीं देते? मेरी फूल जैसी बेटी को फूलन देवी समझकर हमेशा डांटते रहते हो। आपकी बेटी की शरारत है। शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसे बुड्ढे करेंगे? और इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे शरारत करें तो बड़े उन पर फाइन कर दे है? और फाइन भी कितना, सिर्फ 2000 रुपया? तुम फाइन मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? अरे फाइन ही करना है तो 1,00,000 रुपया करो, 2,00,000 रुपया करो। डैडी मर गया तेरा डैडी। और हाथ छोड़, हाथ छोड़। जब भी मेरा कोई हाथ पकड़ता है तो लगता है हाथ छुड़ा के। शांति प्रसाद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं होगा शांत, नहीं होगा शांत। ये शांति प्रसाद शांत नहीं हो सकता। सांड को लाल कपड़ा दिखाते हो और कहते हो शांत हो जा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? संतरा है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कॉलेज में पढ़ाने आते हो या संतरा खाने आते हो तुम? ओ, घर में खाना नहीं मिलता क्या? ओ समझा, ये बच्चों से 2000 रुपए इसलिए मांगते हो ताकि ये संतरे खाते रहो। माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। आज के बाद आपकी बेटी को डांटने तो दूर, मैं इसकी तरफ देखूंगा तक नहीं। देखेगा भी नहीं। एक डैडी, क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा मेरी बेटी को? क्यों नहीं देखेगा? क्या मेरी बेटी मनहूस है, बदसूरत है, चुड़ैल लगती है? क्यों नहीं देखेगा? अरे तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान देखेगा, और एक बार नहीं 1000 बार देखेगा, और इन उल्लू जैसी आंखों से देखेगा।
बोल बोल देखेगा कि नहीं? अरे आपने मुझे देखने के लायक कहाँ रखा पूजा, प्लीज टेक अवे दिस ओल्ड क्रेजी मैन। अरे अरे मैं तुम्हारा फाइन तो क्या पूरे साल की फीस भर दूंगा, मुझे इससे इससे बचाओ, इस ओल्ड क्रेजी मैन से बचाओ मुझे। अभी तो संतरा छिड़का है, अगली बार तेजाब छिड़क दूंगा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत बुरी। तुम्हारा बाप बन बन के तंग आ गया हूं मैं। डैडी डैडी सुनिए। सुनाइए। मैंने कहीं आपको देखा है। सपने में देखा होगा, मैं अक्सर सपनों में आता हूँ। नहीं नहीं, आपका कोई जुड़वा भाई या? जी नहीं, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है जो हमारा हम शकल हो और कुंभ के मेले में खो गया हो। बल्कि मेरे बाप ने इस डर से कि मेरे जैसा दूसरा नमूना ना पैदा हो जाए खुदकुशी कर ली थी। तो फिर आपकी शक्ल मेरे ड्राइवर से क्यों मिलती जुलती है? क्या मेरी शक्ल तुम्हें ड्राइवर जैसी लगती है? आई मीन अपने ड्राइवर के साथ कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांति प्रसाद। शांति प्रसाद मर गए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? नो जजमेंट, मेरा मतलब है कि ऐसे शांत सीधे साधे चेहरे पर ऐसा ही सीधा साधा शांत नाम होगा, शांति प्रसाद। समझे, शांति देवी के शांति प्रसाद, शांति प्रसाद। अब शांति देवी का प्रसाद तुझे शांति नहीं जूतों का प्रसाद खिलाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरी दाढ़ी में लगा चोर मुसाफिर जाग उठा। अभी लगाया था, अभी लगाया था। उल्लू का पट्टा, मीना मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा ड्राइवर कहीं का।